हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, आप सबका स्वागत है एवरीडे विद भगवत गीता में। तो आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। पहले अध्याय का जो टॉपिक है वह है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो पहले अध्याय के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र उवाच, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सम्मवेता युयुत्सह मामक पांडव चैव किम अकूर्वत संजय। ट्रांसलेशन बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। धृतराष्ट्र सेड, ओ संजय, आफ्टर माय सन एंड द सन्स ऑफ पांडव असेंबल्ड इन द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज एट कुरुक्षेत्र डिजायरिंग टू फाइट, व्हाट डिड दे डू। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में धृतराष्ट्र पूछते हैं, धृतराष्ट्र ने कहा, ऐ संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्र ने क्या कहा। तो हम इस आज के भगवद गीता के श्लोक को श्रील प्रभुपाद के पर्पट के हिसाब से सुनने का प्रयास करेंगे कि प्रभुपाद जी और भगवान श्री कृष्ण ने इस भगवद गीता के अंदर क्या कहा और हमें क्या समझ में आना चाहिए एज पर मॉडर्न एज। प्रभुपाद जी का जो भावार्थ है, जो पर्पट है, समझाने का तरीका है, वो सारे जितने भी वैदिक आचार्य हैं, परंपरा के जितने भी आचार्य और जितने भी पिछले युगों के अंदर हमारे जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट आए, जो विद्वान आए, उन सबका निचोड़ है। प्रभुपाद जी के पर्पट बढ़ने के बाद कोई डाउट नहीं रहता और ना ही हमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी माइंड के अंदर क्रिएट होती कि वहां ये लिखा हुआ है, यहाँ ये लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी की भगवद गीता के माध्यम से इन श्लोकों को समझना बहुत ही आसान हो जाता है और सबसे बेस्ट है कि समझने के बाद इसको जीवन में कैसे इंप्लीमेंट। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छे पर्पट में लिखते हैं, कहते हैं प्रभुपाद जी के एक व्यक्ति को भगवद गीता को बहुत ही ईमानदारी और सच्चाई के साथ समझना चाहिए उनसे, जो कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। तो आप ये देखिए, एक फिजिक्स का स्टूडेंट एक फिजिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ा सकता है, केमिस्ट्री का स्टूडेंट केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से पढ़ा सकता है। इसी प्रकार से भगवद गीता जो अपने जीवन में धारण किए हो उनके माध्यम से हमको भगवद गीता समझना बहुत आसान हो सकता है। जैसे कि आपको अगर मैथमेटिक्स का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आप मैथमेटिक्स के टीचर के पास जाएंगे, या कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने वो मैथमेटिक्स की क्लास पढ़ी हुई है, वो आपको थोड़ी देर में समझा देगा। और दूसरा प्रभुपाद जी कहे कि भगवद गीता को उनको यथारूप में समझ, एज इट इज, विदाउट प्लस और विदाउट माइनस। अब हो क्या रहा है कि हम एक लेक्चर में गए थे, उन्होंने कहा मेरे हिसाब से भगवद गीता कर्म योग के बारे में, आप अपना हिसाब अपने घर रखिए, हमें वो बताइए कि भगवान का क्या हिसाब है, भगवान क्या चाह रहे हैं। जैसे कि मेडिसिन है, अगर हम डॉक्टर के बताए हुए टाइम टेबल के हिसाब से खाएंगे तो हमें फायदा होगा, अगर नहीं खाएंगे तो फायदा नहीं होगा। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की ये जो भगवद गीता है उसको भी हमें भगवान ने जैसे यथारूप हमको समझाया है उसी प्रकार से समझना है, मेरे हिसाब से अपने घर पे रखना है और जो भगवान का हिसाब है वो हमको धारण करना है। इसीलिए प्रभुपाद जी की भगवद गीता है मार्केट के अंदर 700 भगवद गीता में सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? कि प्रभुपाद जी ने भगवद गीता को प्रेजेंट किया यथारूप में, एज इट इज। तो सबसे पहला तो पॉइंट ये कि भगवद गीता को विदाउट इंटरप्रिटेशन, विदाउट एनी मेंटल स्पेकुलेशन, प्लस माइनस किए हुए उन श्लोकों को एज इट इज हमारे जीवन में समझना है और धारण करना है। दूसरा, इस भगवद गीता को परंपरा के माध्यम से समझना है। अब आप बोलेंगे परंपरा क्या है, तो भगवद गीता के चौथे अध्याय में भगवान ने एवं परंपरा प्राप्तम एवं राज ऋषियों विदु, कि जो भगवद गीता का ज्ञान है वो पहले तो राज और ऋषि मुनियों को ही दिया जाता था और उनमें से जो परंपरा आती थी उन परंपरा के माध्यम से लिया जाता। अब परंपरा ऐसे आप समझिए उसको कि ये एक ऐसी श्रेणी है या डिसाइप्लिक सक्सेशन है, परंपरा है जो कि भगवान श्री कृष्ण तक डायरेक्ट मिलती है। जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, उनके गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद थे, उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज थे, ऐसा कर करके गुरु की पूरी परंपरा आती है और गुरु परंपरा कहाँ तक पहुंची है, भगवान श्री कृष्ण तक। कलयुग के मैं आपको संक्षेप में बताऊं, चार ऐसी परंपरा है जो कि ऑथेंटिक है। ये ऐसे है, समझे कि जैसे कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल में अपने बच्चे को जब एडमिट कराते तो आप सब पूछते हैं ना, कैसे तो नहीं किसी भी स्कूल में जमा कर दिया आपने, वहां पर बिठा दिया, क्या ये एफिलेटेड है भी कि नहीं। तो एफिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो एफिलेशन क्या है, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और श्री संप्रदाय। ये चार ऐसी संप्रदाय हैं कलयुग के अंदर, शास्त्रों के हिसाब से बताई गई है कि कोई अगर भगवद गीता को इन परंपरा के माध्यम से समझेगा तो समझने के बाद भगवान का भक्त बनेगा और अपने जीवन में उन चीजों को धारण करेगा। देखिए ना, बच्चे को अगर हम यूनिवर्सिटी भेजते हैं और उसको 4 साल MBBS के ऊपर खर्चा कराते हैं, बच्चा रोज जाता है पढ़ता है और एंड में चाहे कि मम्मी पापा मैं जो है वो
मैं प्रैक्टिस नहीं करूँ तो उसका मतलब क्या होगा? उसने सिर्फ थ्योरी की, जब प्रैक्टिकल करने का टाइम आया, जब सैनिक को सोल्जर को हमने तैयार किया और जब युद्ध की बारी आई और वो कह रहा है कि अब मैं इम्प्लीमेंट नहीं करूंगा, मैं जंग नहीं लड़ूंगा। तो परंपरा के माध्यम से अगर कोई भगवद गीता सुनता है तो अपने जीवन के अंदर उसको धारण भी करेगा और भगवान का भक्त भी बनेगा। ये फायदा होता है परंपरा को। इसीलिए भगवद गीता को हर किसी से नहीं सुनना चाहिए, वो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, जो इन चार परंपराओं में से किसी एक श्रेणी में से आते हैं, उनमें से अगर वो भगवद गीता आपको समझाएगा पढ़ाएगा तो 100% श्योरिटी है कि सुनने के बाद आपको अपने जीवन के अंदर लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज जैसा होता, एक कान में डाला दूसरे से निकाला। साक्षात भगवान के मुख से निकली हुई ये वाणी है, जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है, जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान के प्रिय होते हैं, वो अगर उनके मुख से हम भगवद गीता सुनेंगे तो हमारे हृदय में उसका घात होगा, वरना वही एक कान से दूसरे कान में निकल जाएगी। तो भगवद गीता जो थी, ये महाभारत, एक आज आप लोगों सबको पता होगा कि आज से 5000 साल पहले एक जगह है कुरुक्षेत्र, जैसे कि श्लोक में भी बताया है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत हुई थी। तो महाभारत जो है एक किताब है जो कि वेदव्यास मुनि ने उसको लिपिबद्ध किया है। उस महाभारत बुक के अंदर एक चैप्टर है, उसके अंदर 700 श्लोक जो कि कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो वार्तालाप हुआ था वो 700 श्लोक है, जो कि भगवद गीता कंप्लीट एक उसमें से ही किताब एक निकाली गई, उसमें से कुछ एक खंड है, चैप्टर है, या आप चैंटो समझ लें, वो निकाला गया महाभारत। तो महाभारत और भगवद गीता इज द पार्ट ऑफ महाभारत। और भगवान श्री साक्षात कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन साक्षात इस धरती पे आते हैं और ह्यूमिनिटी के लिए, इंसानियत की भलाई के लिए हम इस भगवद गीता के माध्यम से लोगों का तारण करते हैं। तो आप सोचेंगे कि भगवान आए, हमने अक्सर आपको वो एग्जाम्पल भी दी थी, एक राजा होता है और वो उसकी प्रजा के अंदर क्या होता है, भगवान कब आते हैं? सनातन धर्म की महिमा देखिए आप, कि राजा जैसा व्यक्ति, मतलब सनातन धर्म की आप महिमा देखिए कि साक्षात भगवान धरती पे आते हैं। तो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। एक राजा था, वो राजा क्या था, उसके प्रजा के अंदर एक बहुत बड़ी नहर थी, वहां लोग डूब जाते थे, तो राजा अक्सर किसी सोल्जर्स को भेज के उनसे बाहर निकलवा देते थे कि भाई ठीक है ये बच गए। अक्सर उनके पास एक कंप्लेन आती थी कि लोग डूब गए तो सोल्जर भेज दिया करते थे। एक दिन राजा का खुद साक्षात पुत्र उसमें डूब गया, तो जब वहां खबर पड़ी तो राजा क्या हुआ, भागते भागते, ना उसने चप्पल पहनी थी ना अपने ताज को संभाला, भागते भागते नहर की तरफ भागता है और अपने बच्चे को क्या करता है, संभाल लेता है और उसको अंदर खुद डूब के उसको निकालने के लगता है। तो सबने पूछा, माता आप ऐसा क्यों विरोध कर रहे हैं, आप क्यों उसे निकाल रहे हैं? उन्होंने बोला, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा प्रेम। इसी प्रकार से जैसे बादशाह अपने बच्चे के प्रेम के कारण खींच के वहां गया नहर तक, भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण भी क्या करते हैं, अवतार लेते हैं, अनगिनत अवतार है भगवान के, और किस लिए लेते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने। अगर चाहें भगवान तो किसी को भी अपने मैसेंजर को भेज के और यहाँ पर संसार में जो है वो धर्म का अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन भगवान यहाँ पर आते जब उनके भक्त को परेशानी होती है या उनके भक्त को किस चीज की मतलब तंग किया जाता है, तब भगवान साक्षात आते हैं। वरना भगवान तो चाहे किसी भी अपने अंग को बेच के, अपने अवतार को बेच के सारा साफ क्लियर आउट कर सकते हैं। लेकिन क्या है, प्रेम के संग अर्जुन रथा, प्रेम के कारण ही भगवान जो है संसार के अंदर। अन्य धर्म में आप सुना नहीं होगा कि साक्षात भगवान ने यह भगवद गीता बोली। एक शब्द सनातन धर्म है जिसके अंदर दो चीजें, नंबर वन, यहाँ पर साक्षात भगवान आके स्वयं गोलोक ने जो वृंदावन वैंकुंठ धाम से आके इस धरती के ऊपर धर्म की स्थापना कर, जो कि किसी अन्य धर्म में नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि सनातन धर्म एक ऐसा शास्त्र है, या भगवद गीता एक ऐसा शास्त्र है, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके बाद इंक्वायर यानी कि क्वेश्चन बनने की इजाजत है, यू आर अलाउड टू आस्क क्वेश्चन। अन्य धर्म के अंदर ये आपको सुविधा नहीं है, वहां पर बता दे कि आपको करना है, लेकिन भगवान इतने कृपालु है, अर्जुन को भगवद गीता पढ़ाई समझाई, 14 सवाल अर्जुन ने पूछे, उनका जवाब दिया, और एंड में भी भगवान कह रहे हैं क्या कि मैंने आपको पूरी गाइडलाइन दे दी है, पूरी भगवद गीता समझा दी है, और अब आपकी मर्जी है आपको करना है कि नहीं। भगवान साक्षात इस धरती पे आते हैं महाभारत में और कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवद गीता को अर्जुन के द्वारा बताया। अर्जुन भगवद गीता के इस श्लोक के धर्म क्षेत्र के विषय में बताए। धर्म क्षेत्र का मतलब क्या है कि ये वो धरती है जहां पर, जिसको धाम भी कहते हैं, रिलीजियस प्लेस है। धाम का मतलब होता है वो जगह जहां पर भगवान या भगवान के भक्त कोई लीला कर गए हैं, उस जगह को धाम कहते हैं। वो बहुत पवित्र होती है, पूरे संसार के अंदर धरती है लेकिन सब धरती को धाम नहीं कहते, उसी धरती को धाम कहते हैं जहां पर भगवान ने कोई लीला की है या कोई कार्यकलाप किया या उन्होंने या उनके भक्तों। तो व्हाट डिड दे डू, उन्होंने क्या किया, यहां पर एक सवाल पूछा जा रहा है
कुरुक्षेत्र के मैदान में धृतराष्ट्र के द्वारा संजय से सवाल किया जा रहा है कि व्हाट डिड दे डू, वो क्या कर रहे हैं, वहां क्या चल रहा है। धृतराष्ट्र ने क्या पूछा है, संजय धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्र ने क्या किया। तो क्या किया का मतलब क्या होता है कि उनके अंदर इंक्वायरी है। देखिए जो भगवान के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ना, उनको किसी चीज की परेशानी नहीं होती, क्योंकि उनकी सेवा, उनकी उनकी देखभाल करने वाले साक्षात भगवान है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, अपने भगवान भक्तों का क्या करते हैं, ख्याल रखते हैं, इसीलिए वो डिपेंडेंट होते हैं भगवान के ऊपर। उनको इसलिए किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं होती, ना उनको कोई कष्ट होता है, ना उनको कोई परेशानी होती है। उन्होंने कि अवश्य रक्षी वे कृष्णा कृष्णा 100% मेरे कृष्ण मेरे भगवान मेरी रक्षा करेंगे। तो वहां पर ये व्हाट डिड दे डू का मतलब क्या है कि वो कह रहे हैं कि वहां क्या हो रहा है, यानी कि वो भगवान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो अपनी बुद्धि के माध्यम से सोच रहे हैं कि वहां क्या हो रहा है। तो धर्म क्षेत्र क्या है, ये ऐसा धर्म है, धर्म क्षेत्र का मतलब है कि जहां पर धर्म की अनहानि यानी कि धर्म की जीत होगी और अधर्म का नाश होगा। अब क्यों उसने पूछा, हालांकि आप देखिए कौरव जो थे वो बहुत ही मजबूत थे, उनके पास बड़ी से बड़ी सेना थी, और पांडव जो थे उनके पास ना इतनी खास सेना थी ना उनके पर इतना बल था, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी धृतराष्ट्र परेशान था कि धर्म भूमि में तो धर्म की ही जीत होगी। कौरव के नाम से कुरुक्षेत्र पड़ा है, क्षेत्र कहते हैं मैदान को, कुरु कहते हैं कौरव को। कौरव के मैदान में यानी कुरु के मैदान में धर्म क्षेत्र में धर्म की ही रक्षा होगी, धर्म की ही स्थापना होगी, क्योंकि उनको ये डाउट था, उनको डर था कि हम लोग अधर्म पे हैं, हम झूठ पे खड़े, हमने गलत किया, इसीलिए उन्होंने इंक्वायर किया कि व्हाट डिड डू, वो क्या कर रहे हैं, इस कारण से कि वो परेशान थे। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनको कोई चिंता नहीं, क्यों चिंता नहीं होती, क्योंकि वो भगवान का चिंतन कर रहे हैं। और ये चिंता क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो भगवान का चिंतन नहीं कर रहे। तो संजय जो थे उन्होंने धृतराष्ट्र को असिस्टेंट दी थी, वो उनके क्या थे, आप समझ लीजिए कि उनके एक असिस्टेंट थे, और उनके सिचुएशन वो पूछ रहे थे कि कर्म क्षेत्र के अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर क्या हो रहा है मुझे बताओ। तो अभी संजय जो था वो क्या था, व्यासदेव मुनि का एक स्टूडेंट था, और उनकी कृपा से उनके पास एक ऐसी दिव्य दृष्टि थी जिनके माध्यम से वो कुरुक्षेत्र में, हालांकि वो बैठे तो बहुत वहां से दूर थे, हस्तिनापुर यानी कि दिल्ली में बैठे थे, लेकिन कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा था वो पूरा लाइव बता रहे थे संजय के माध्यम से। संजय जो था वो भगवान का भक्त था, और वेदव्यास मुनि जी की कृपा से उनको एक चक्षु मिली थी कि उनके सामने टीवी खुल गया। अभी आजकल क्या है, टीवी के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, केबल चाहिए, और साक्षात टीवी चाहिए, लेकिन जिनके ऊपर भगवान की कृपा है उनके सामने पूरा कंप्लीट टीवी खुल जाता है। हम अक्सर कहते हैं भगवान के दाम में और उच्च लोग में, जैसे स्वर्ण लोग है इन सब जगहों पे, कि फेसबुक यूट्यूब इत्यादि लाइव वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये कुछ संसार में पड़ती है जिसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं, लेकिन उस समय ये सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई थी। लेकिन कलयुग में ये सारी टेक्नोलॉजी को भगवान ने लुप्त इसलिए किया कि अगर ये टेक्नोलॉजी जैसे कि लहिमा महिमा छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, हवा में उड़ना, पानी में चलना, ये सब सिद्धियां अगर इन लोगों के पास जो कलयुग के अंदर जो लोग हैं जिनके दिमाग पाप से भरे हुए हैं और वो चोरी चकारी और इन तरह के पापों में करेंगे, अगर उनके हाथ में ये विद्या आ जाएगी तो दुनिया का तो हो गया काम। तो भगवान ने क्या किया, ये सारी विद्या जो है वैद्य शास्त्रों से लुप्त कर दी, उनको छुपा दिया, और संजय के पास वो शक्ति थी कि जिसकी मदद से वो पूरा साक्षात टीवी खोल के वहां पर बैठे हुए थे, तो उनको इन सब चीजों की ये टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं थी, उनकी गुरु की और भगवान की कृपा से उनके पास सारी ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी वाली थी। अब दूसरा सवाल आता है कि इतने से पूछा है सवाल ने इच्छा के इस तरह हुए कि मेरे तथा पांडु के पुत्र ने क्या किया। अब देखिए जब मेरा और तेरा होता है ना तो झगड़ा होता है, जब हमारा होता है तो संसार अच्छे तरीके से चलता है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एनवियसनेस की निशानी है। तो भगवान के भक्त होते उसमें मेरा और तेरा नहीं होता, नंबर वन बात तो एक ये समझना। दूसरा भगवान के भक्तों के अंदर ईर्ष्या नहीं होती। ईर्ष्या क्या है, सबसे बड़ा एक बाधा है जिसके कारण हम संसार के अंदर। और ईर्ष्या क्या है, सबसे बड़ी ईर्ष्या तो ये कि भगवान भगवान क्यों है और हम भगवान क्यों नहीं है, इसीलिए हम भगवान बनना चाहते हैं, हमारी इच्छा है। तो इस इच्छा और द्वेष के कारण पांडव और कुरुक्षेत्र के मैदान के पांडव और कुरु के बीच में क्या किया, डिस्क्रिमिनेशन किया कि इन्होंने धृतराष्ट्र, हालांकि एक ही फैमिली से, एक ही भाई, एक ही परिवार से, लेकिन क्या मेरे और पांडव, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है कि एनवियसनेस क्रिएट हो रही है कि वो कह रहे हैं कि मेरे पुत्र अलग है और पांडवों के पुत्र अलग है, वो एक नहीं समझ रहे धृतराष्ट्र। तो अभक्त के जीवन में क्या होता है, एनवियसनेस होती है, जो कि यहाँ पर हमको इस श्लोक के अंदर नजर आता है। और दूसरा प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कि पैडी फील्ड होती है, जब हम कोई पेड़ उगाते हैं अपने बगीचे के अंदर,
तो वहां पर हम देखते हैं छोटे छोटे आजू बाजू और भी पौधे उग जाते हैं। तो उन पौधों को क्या करना होता है, उखाड़ फेंकना पड़ता है। अगर हम उन पौधों को उखाड़ फेंके ना, तो क्या होता है कि जो मेन पौधा होता है जिसके अंदर हम पानी दे रहे हैं, जिसमें से हम फल और पत्ते फ्लावर्स ये सब चीजें चाह रहे हैं, तो उनमें वो रुकावट बनते हैं। तो वो क्या करते हैं, साइड में जो होते हैं उनको निकाल फेंकते हैं। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने यहाँ पर क्या किया, अपना अवतार लेके युधिष्ठिर महाराज जो कि पांडवों में सबसे श्रेष्ठ थे, उनकी लीडरशिप में रहते हुए भगवान ने उनको संदेश दिया कि तुम क्या करो, कौरवों का वध कर दो और इस युद्ध को जीत डालो। तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, ऐसे जो अधर्मी लोग थे जिनके हृदय के अंदर पाप काम क्रोध मद लोभ मैत्सर्य ये प्रकार की सब चीजें होती हैं, उनके माध्यम से क्या करते हैं, ये जो पैडी फील्ड के अंदर जो अनवांटेड प्लांट्स है उनको उखाड़ देते हैं। और क्या है, भगवान की कृपा से यहाँ पर धर्म स्थापित। तो आज का ये जो भगवद्गीता का पहले अध्याय का जो पहला श्लोक था उसके अंदर हम लोग ने ये सीख ली। तो आने वाले समय में हम आपको भगवद्गीता के श्लोक भेजेंगे। हमारा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि कृपया करके हम और भी भक्तों को इन्विटेशन दीजिए कि इन भगवत गीता के हमने जो स्टार्ट किया है इसमें जुड़े और भगवत गीता को समझें और अपने जीवन में धारण करें। प्रभुपाद जी की कृपा से अगर वो करेंगे, रोज सुनेंगे इन भगवत गीता को 15-20 मिनट के लिए, तो हम आने वाले समय में पूरी भगवत गीता खत्म कर करेंगे। आपसे अनुरोध है ये मैसेजेस आप दूसरे लोगों तक सेंड करें, अपने फैमिली और परिवार के लोगों के। और सबसे बड़ा दान जो होता है विद्या दान होता है, कि किसको विद्या देना, यानी कि हम आत्मा है शरीर नहीं है, इस चीज के बारे में बताना, इससे बड़ा कोई दान शास्त्र में नहीं बताया। तो हमारा नंबर है 00971-55-66-44-658। इस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपका कोई यदि क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, हम क्वेश्चन की सीरीज में आपके क्वेश्चन को इंक्लूड करें। हरे कृष्णा प्रभुपाद की जय, गौर की जय।